आपने जैसा मेंटल वाइक की वीडियो में देखा, ब्लेन ने वॉइड में गिर के सुसाइड कर ली, पर आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं, क्योंकि उसके मरने से हमारे दो राज और उसके साथ चले गए। एक कि उसने मेरी और मेंटल वाइक की लड़ाई क्यों करवाई, दूसरा स्पॉनर्स के लिए तो वो मुझे नहीं मारेगा। बात तो कुछ और ही थी जो मुझे इस पार्ट में पता लगाना है, और मैं निकल जाता हूँ दोबारा इस राज को जानने के लिए फायर एम्स की वादियों में। तभी जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, तभी मैंने देखा मेरा दोस्त विजय भाई, तुम यहाँ क्यों? ब्लेन को मार दिया। मुझे पता थी ब्लेन मरा नहीं है, और शायद इसकी बातों से यही लग रहा है कि ब्लेन अभी मरा नहीं है, और ब्लेन अभी कहाँ है शायद इसको ही पता है। तभी वो मेरे को कहता है मेरे साथ चलो, और मैं उसके साथ चल देता हूँ उसके साथ। सुनसान रेगिस्तान में बहुत आगे चलने के बाद तभी मैं विजय भाई से पूछता हूँ, पर अब जाना कहाँ है? विजय भाई तभी मेरे को कहते हैं बस थोड़ा सा दूर और तभी भाई मैं एक जगह रुकता हूँ और देखता हूँ मेरे सामने था एक सुनसान विलेज भाई, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। तभी विजय भाई कहते हैं चलो मेरे साथ, अब यहाँ से आपको पैदल चलना होगा। और फिर मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। फिर वो कहते हैं बस अब यहाँ से तुम आगे जाओगे और मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, क्योंकि जो तुम्हारे सवाल के जवाब हैं वो तुमको यहीं मिलेंगे। तो गाइस विजय भाई तो यहाँ पर जा चुके हैं, बट भाई यार जो ये विलेज है भाई बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है भाई। लाइक लिटरली गाइस आपने ऐसा विलेज कहीं पे देखा नहीं होगा। देख लो कॉबवेब है और भाई पम्पकिन भाई, बट उन्होंने बोला था यहाँ पर वो किसी को देखे हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया है, बट वो बंदा है कहाँ? मैं जिससे यहाँ पर आया हूँ मिलने मेरे को दिख तो नहीं रहा भाई। बिल्कुल कोई घर तो है। ओ भाई इसके इंटरनेट भी है भाई, इधर कोई है, वो मिस्ट्री मैन। तभी मिस्ट्री मैन मेरे को बताता है जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको ढूंढना बेकार है। मैंने कहा मतलब? कहता है मतलब सिंपल है, तुम सबों का एक क्लोन है उसके पास, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे भाई का, मतलब ऑल जितने सर्वर में खेलते हैं सबका एक क्लोन है उसके पास, और यहाँ तक कि तुम्हारा भी क्लोन है। मैं भाई उस चीज़ को सुन के एकदम शॉक हो जाता हूँ कि मतलब मेरा क्लोन भाई? वो कहता है यस तुम्हारा क्लोन, क्योंकि वो एक परछाई है जो तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर भाई मैं हार नहीं मारने वाला, मेरे को तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा। तभी मैं मिस्ट्री मैन से पूछता हूँ भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम उसका लोकेशन बता दो। वो कहता है मैंने उससे दोस्ती कई साल पहले तोड़ दी है, तो मुझे उसका रास्ता नहीं पता, वो किधर है, कहाँ है, कैसा है, बट इतना बता सकता हूँ वो ऐसे हालातों से गुजरा हुआ है जहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो उसका बस एक ही मकसद है कि पूरी SMP में एक दूसरे को लड़वाना, उसका बस यही मकसद है। तो भाई ये सब सुनकर मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। तभी मैं एक SMP के मेंबर के पास आता हूँ और उससे पूछता हूँ भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो मुझे बताता है भाई मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ हो रहा है SMP में, मेरा दोस्त जो कि बेस्ट फ्रेंड था भाई वो कुछ गलत फहमी की वजह से मुझे छोड़कर चला गया, और फिर ऐसे ही दूसरे बंदे के पास जाता हूँ वो भी यही मुझे सेम चीज़ बताता है भाई उसका कोई दोस्त था जो उसको छोड़ के चला गया। एंड भाई तभी मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर कोई नज़र रख रहा था, तभी भाई एकदम शक हो गया मुझे, कोई तो नज़र रख रहा है भाई मेरे ऊपर। मैंने जैसे उसको देखा वो ये कौन है? यस ये कौन है भाई? रुको भाई से मेरे को बात करनी पड़ेगी। अबे भग्या भाई भग्या, गया किधर ये भाई? रुक 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 जा, कहाँ जा रहा है ब्रो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था भाई? ये इसका कुछ गाइस मेरे को सीन लग रहा है, लिटरली ये मेरे को छुप के देख रहा है। अरे हिट कर रहा है भाई, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। आ जा भाई आ जा, तू हिट कर। इसका गाइस कोई गड़बड़ी तो लग ही रहा है मेरे को, क्योंकि भाई ये मेरे को छुप के वहां से देख रहा था, और कुछ ना कुछ इसको पता जरूर होगा। अभी बाकी की बात इससे करता हूं, पहले इसको फिलहाल मारता हूं। अरे भाई भग गया भाई, लिटरली भग गया। इसका पीछा करना पड़ेगा गाइस, पीछा करना पड़ेगा इसका। भाई कहां गया? पहले तो मुझे खाली शक हो रहा था, बट अब पूरा यकीन है कि भाई वो जो मास्टरमाइंड बंदा है ना, मुझे उसको ढूंढना ही होगा, वरना धीरे धीरे करके भाई वो पूरी SMP को तबाह कर देगा, सब लोग अकेले रहने लगेंगे। तो उससे पहले भाई मुझे उस मास्टरमाइंड बंदे को ढूंढना होगा, पर इस बंदे का पीछा तो मैं अभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड देखता हूँ कितनी दूर जाने के बाद मुझे ये बंदा दोबारा मिलता है या कैसे मुझे मिलता है। वेट ये कौन है? हेलो, अरे प्रिंस तू यहाँ पर? अरे अरे इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस मैं किसी को ढूंढने निकला था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं अपना खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अरे यार तुमने यहाँ किसी को उड़ते हुए देखा था क्या? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं यहाँ पर एक बंदे का पीछा कर रहा था,
भाई लिटरली अगर मैं तुमको बताऊं कि क्या क्या चीज़ हुई है मेरे साथ, लाइक अभी मैं पीछे जब आया था तो मेरी एक को एक मिस्ट्री मैन मिला, और तुमको उस क्लोन के बारे में तो पता ही चल गया होगा जो अभी शहर में चल रहा है ना, तो वो मेरे को मिस्ट्री मैन ने उसके बारे में बताया, और वहाँ पर मैंने देखा कि भाई एक बंदा मेरे को लाइक देख रहा था छुप के, शायद अभी तो नहीं देख रहा बिल्कुल, हाँ अभी नहीं है वो मेरे को लाइक छुप के देख रहा था, तो मैं उसका पीछे करते आया तभी मैंने तुमको देखा, एंड मैं यार बहुत ज़्यादा लाइक उसी बंदे के पीछे हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा अब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस चीज़ में, यार कौन हेल्प करेगा मेरी समझ नहीं आ रहा। पर मैं उसका पता लाइक जाऊंगा कैसे, उसके पास जाऊंगा कैसे, लाइक उसका कोई कोऑर्डिनेट या कुछ चीज? ओ ये लो बुक एंड क्वीन, ओके ये क्या है, ओके उसका नाम रेज है क्या, ओके ओके थैंक यू, मतलब इसके पास जाके बाकी बात तुम कर लेना, मैं सीधा इसके पास चलता हूँ, ठीक है चलो थैंक यू यार हेल्प के लिए, मैं चलता हूँ अभी क्योंकि उस बंदे को भी ढूंढना है मेरे को। ओके गाइस तो यार बहुत ही दूर आ चुका हूँ, पर यार वो बंदा नहीं मिला, ओए ये कौन है, ओके ओबे भाई मेरे टोटम पॉप अप में एक आठ, ओबे अरे ये क्या है, ये कौन, अरे भाई अरे अरे भाई मेरे भाई शांत हो जाइए, देखो कुछ दिन पहले इसे हेड मंगा रहा था, हेड क्या साथ में आ गया, बट भाई नेक्सू भाई आप यहां फंसे पड़े हो, ये पता नहीं तुमने तो मैंने बताया, वो तुमने मेरे को नहीं फंसाया है, मैंने तुमको फंसाया क्योंकि तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पर आऊँगा और वो भी ऐसी हालत में बिल्कुल गलत सोच, नहीं 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 आप सपना देख रहे हो क्योंकि अरे साई, और ये साई आप जो सोच रहे हो ना मैं नंगा तो हूँ, बट आपको मैं पहले ही बता दूँ मैं कोई रियल नहीं हूँ, मैं जस्ट क्लोन हूँ। अब आप लोगों का भी एक ही क्वेश्चन होगा कि क्लोन ये कब आया, तो ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, तो चलते हैं फ्लैशबैक। गाइस जो मेरे को यहाँ पर प्रिंस ने कोऑर्डिनेट दिए थे, आई थिंक मैं उन कोऑर्डिनेट पे पहुँच तो गया हूँ शायद, ओके 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 वहाँ पर मुझे एक हाउस दिखा भाई, भाई क्लोन रियली, ओ बेटा सेकंड लाइक ये हिट तो नहीं करेंगे भाई, भाई 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 नजर रख रहे हैं भाई ये लोग, तो बेटा सेकंड गाइस ये क्या चीज है भाई रियली ब्रो, बट इसमें जो रियल है मैं उसको पहचानूंगा कैसे, एंड वो है कहाँ भाई, क्योंकि मेरे को उसी बंदे से मिलना पड़ेगा, बट ओके नीचे जाने का भी रास्ता है, चलो नीचे चलते हैं, दो मिनट यहाँ पर मैं नीचे तो आ गया हूँ, एंड भाई कितना बड़ा बेस है भाई, एंड बहुत ही तगड़ा बेस लग रहा है भाई ये, बट ये बंदा है कहाँ भाई, इतना बड़ा घर पर ये है कहाँ पर भाई, हेलो हेलो आप अंदर जाओ भाई, ये क्या था,
प्रिंस ने मेरे को आपका पता दिया था। हाँ इक्की भाई, मुझे पता है आप इधर क्यों आए हो। प्रिंस ने मुझे पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था इस चीज़ों के बारे में, एंड मुझे ये बताया गया था कि प्रिंस जब भी आपको मुझे मेरे पास भेजे तो मुझे आपको एक चीज़ देनी है। आप मेरे साथ आओ। अच्छा, मेरे साथ आओ। ये मतलब क्या चीज़, मैं भी नहीं समझ पा। अरे ये क्या चीज़ है, व्हाट द हेक भाई, ये दो क्लोन आपके पास कैसे आए मेरे। वो लोग क्लोन बना सकते तो हम भी क्लोन बना सकते हैं ना। मुझे प्रिंस भाई ने ये बताया था कि आप जब मेरे पास आओगे मुझे आपको ये क्लोन देना है, और इस क्लोन की खासियत ये है कि ये नॉर्मल बंदों की तरह ही लोगों को ढूंढ सकता है, मतलब लोगों की तरह पीवीपी कर सकता है, आपकी तरह क्राफ्ट भी कर सकता है। हाँ। और इसमें ट्रैकर्स भी लगे हुए हैं, ट्रैकर्स मतलब आप, हाँ मतलब जहाँ ये मरेगा वहाँ पे आप जाके इसकी लोकेशन भी फाइंड कर सकते हो। ओ भाई फिर तो इस हिसाब से भाई बड़े तगड़े भाई क्लोन है भाई, बट इनमें से अभी जाऊंगा वहाँ जाएगा ओनली मेरा क्लोन, और अगर उनने क्लोन को कुछ करा भी तो हमारे पास लाइक उनकी लास्ट लोकेशन तो होगी ना, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, ट्रैकर से हम उनकी लास्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर आप वहाँ जाके हम सब साथ में जाके कुछ ओके ओके इसको चला के दिखा सकते हो। ओके हाँ, ट्रायल ले सकते हो, ट्रायल ले सकते हो। ओके ओके रुको, आप ये देखो, अब देखो ये क्लोन आप ही की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, एंड देख सकते हो तो भाई ये, एंड ये आप ही की तरफ देखेगा। देखो इसके हाथ में ट्राइडेंट भी है। क्लोन इधर आओ, क्लोन इधर आके दिखाओ, पीछे आओ भाई। ये तो पूरा वर्क कर रहा है भाई ये तो। मैं इसको आपके साथ भेज दूंगा, आप इसका यूज भी कर सकते हो, और इससे आप सेफ रहोगे। उधर जिस लोकेशन पे आपको प्रिंस भाई भेजेंगे उस लोकेशन पे आप आराम से जा सकते हो और सेफ भी रहोगे, अगर उन्होंने आपको अटैक किया तो। और अगर आप इसको मारोगे तो ये पीवीपी भी करेगा। मैं इसको हिट करूंगा तो ये मुझे देखो हिट भी कर रहा है। हाँ भाई सही में यार, बड़ा मस्त क्लोन बनाया आपने भाई। देखो थैंक यू यार, आपने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया, लाइक मेरे को पता नहीं था, बट थैंक यू सो मच। अब तो भाई मज़ा आने वाला है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको यहाँ से भागना चाहिए कि हम लोगों को छोड़ना चाहिए। देखो अगर छोड़ दोगे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ट्राई करके देख लो, मार भी दोगे तो आपको पता लग जाएगा जल्दी आपके साथ क्या होने वाला है। मार के ट्राई कर लो, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आने वाला। अगर मैं आता रियल, अगर तुम रियल नहीं हो तो कोई ना, मेरे को मारने में कोई दिक्कत नहीं। मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओए भाई ये क्या था, तू किसको लेके आया? एक मिनट, मेंटल भाई ये कौन था? ये क्यूआईडी था ना? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये सब क्या हो रहा है? साई रेडी हो जा, साई मेरे भाई रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी होने के लिए बोल, तैयार रहने के लिए बोल, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। इक्की भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि इन लोगों को लगता है कि इन्होंने मेरे को कैप्चर कर लिया है, पर इन्हें नहीं पता हम इनके साथ अब क्या ही करने वाले हैं। चलना है क्या इक्की भाई अब? यस, इट्स टाइम टू फाइट, लेट्स गो।